यह जहां केंद्रीय वित्त आयोग की टीम आज से 3 दिनी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के साथ ही 6 सदस्यों का दल आज रायपुर पहुंचेगा और अपने 3 दिनी दौरे के दौरान ये दल सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने फील्ड में भी जाकर दौरे करेगा और राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग के सामने रखी जाएगी कुछ महत्वपूर्ण मांग, जिसमें राज्य सरकार अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी के लिए 22,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मांग सकती है। वित्त आयोग से इस प्रोजेक्ट को मनरेगा से जोड़ने का प्रस्ताव भी वित्त आयोग के सामने रख सकती है सरकार। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, वित्त आयोग की टीम दौरे पर रहने वाली है, ये दौरे कितने खास रहने वाले हैं? सिंह के अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी है, वो यहाँ पर रायपुर पहुंचेगी। 3 दिन का उनका दौरा होगा। जो राज्य सरकार की योजना है उसकी जानकारी लेने के लिए वो फील्ड में उतरेंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों और ब्लॉकों में जाकर लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है वो कितनी प्रभावी है, लोगों को इससे कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा जो नफा नुकसान है योजना का उसको भी निकालने की कोशिश जो वित्त आयोग की टीम है वो यहाँ पर करेगी। इसके अलावा जो यहाँ के डीजीपी हैं और अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ नक्सल मोर्चे को लेकर भी बैठक होगी। इसके अलावा दौरे के अंतिम दिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मांग सरकार द्वारा रखी जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना भी चल रही है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो वित्त आयोग से राज्य सरकार मांग सकती है और इसी को मनरेगा के प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए भी वित्त आयोग से अपील जो राज्य सरकार है वो करेगी। पहले ही राज्य सरकार ने तैयारी कर रखी है कि क्या क्या चीजें वित्त आयोग के सामने रखी जानी है, किन महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तार और किया जाना है और उसके लिए जो पैसे और लगेंगे उसको किस प्रकार से स्वीकृति वित्त आयोग देता है, ये तमाम चीजों की तैयारी पहले ही राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने कर रखी थी। पिछले दौरान जब दिल्ली में वित्त आयोग की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर गए थे, उन्होंने दमदारी से अपनी बात रखी थी और जो नरवा गरवा घुरवा पड़ी है विशेष तौर पर उस योजना को विस्तार से वित्त आयोग की बैठक में उन्होंने समझाया। तो वित्त मंत्री थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा रहेगा क्योंकि 3 दिन का दौरा है और राज्य सरकार की योजनाओं की वो जानकारी लेने के लिए फील्ड में भी उतरेंगे। उनको पता चलेगा कि कितने काम सरकार द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से जो महत्वपूर्ण मांगे सरकार द्वारा रखी जाएगी उन पर फैसला फिर वित्त आयोग की टीम लेगी। जी चलिए हेमंत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां